गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में संकलित मायावी सरोवर और यक्ष प्रश्न पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, यक्ष प्रश्न युधिष्ठिर और यमराज की कहानी है, जहां भगवान यम यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत में भी वर्णित है। प्यारे बच्चों, यह एक प्रसिद्ध और उत्कंठावर्धक दृश्य है, जहां युधिष्ठिर ने अनेक सवालों के जवाब दिए थे और यह भी माना जाता है कि इस घटना में दिए गए उत्तरों में दैनिक जीवन की कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी मिलता है। जब पांडव 12 साल के वनवास के अंत में जब पांडव द्रौपदी के साथ द्वैत वन में पहुंचे थे, तो उस समय की यह घटना है। प्यारे बच्चों, उस समय सभी के सभी पांडव बहुत थके हुए थे और बहुत प्यासे थे, इसलिए युधिष्ठिर ने पानी लाने के लिए नकुल से पूछा। नकुल ने शुद्ध पानी से भरा हुआ एक सरोवर देखा और उसमें से पानी लेने का प्रयास भी किया, परंतु क्या हुआ बच्चों, परंतु जैसे ही सरोवर के समीप नकुल पहुंचा, तो एक बहुत ही अद्भुत आवाज़ उसे रोकने का प्रयास करती है। वो कैसी आवाज़ थी बच्चों? उसे चेतावनी दी जाती है कि अगर वह प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी लेना चाहेगा, तो उसे संकट का सामना करना होगा। नकुल ने इस बात को अनदेखा कर दिया और पानी लेने का प्रयास किया, परंतु वह तुरंत ही जमीन पर बेहोश होकर अर्थात मूर्छित होकर गिर गया। उसके बाद नकुल की तरह ही युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडव बारी बारी सरोवर के पास आए और पानी लेने का प्रयास किया, परंतु सभी को यमराज के रूप में जो यक्ष थे, सभी को उन्होंने चेतावनी दी थी कि पानी लेने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए, परंतु सभी ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। और जैसे जैसे उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, तो सभी को उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। ऐसे में अंत में युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होती है और वो यह सोचता है कि सारे के सारे भाई बारी बारी से उस मायावी सरोवर पर पानी लेने गए थे, परंतु सारे ही वहाँ से उनमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। तो यह सब बातें सोच विचार कर युधिष्ठिर स्वयं उस सरोवर के पास जाते हैं और सरोवर पर अपने भाइयों को वहाँ पर वो मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ पाते हैं। उन सभी को ऐसी अवस्था में देखकर युधिष्ठिर को बड़ा दुख होता है। फिर युधिष्ठिर के सामने सारस अर्थात यक्ष युधिष्ठिर के सामने प्रकट हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके भाइयों को चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने सरोवर से पानी लिया और उनकी यह अवस्था हुई। यक्ष युधिष्ठिर को भी कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की चेतावनी देते हैं। इसके बाद यक्ष ने अनेक प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे। युधिष्ठिर ने यक्ष द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए, जिससे यक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। वास्तव में प्यारे बच्चों, जानते हो वास्तव में यक्ष कौन थे? यक्ष वास्तव में युधिष्ठिर के पिता भगवान यमराज ही थे। तो प्यारे बच्चों, फिर यमराज ने युधिष्ठिर के प्रश्नों से जब वो इतने खुश हुए, तो युधिष्ठिर को वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि माता कुंती के पुत्रों में से तो मैं एक पुत्र उनका जीवित हूँ। यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं, तो फिर आप माता माद्री के पुत्रों में से नकुल को जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर की यह सब बातें सुनकर यक्ष और भी अधिक प्रसन्न हो गए और ऐसे में उन्होंने
युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने मायावी सरोवर और यक्ष प्रश्न के बारे में पढ़ा।